ऊपर वाला कहता है कि तुम वो करता जा जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। आप मेहनत करके नसीब को भी पलट सकती हो। आप कोई मूवी देखने गए, मूवी में कोई सस्पेंस नहीं है, आपको स्टोरी पहले से पता है, तो क्या आपको वो मूवी देखने में मजा आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। वैसे ही जिंदगी में अगर आपको पता चल जाएगी आगे क्या होने वाला है, तो जिंदगी जीने में मजा आएगा? कभी नहीं आएगा। बहुत सारे यंगस्टर थक हार के स्ट्रगल करके किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, या किसी भी मतलब किसी भी धर्म का हो उसके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेरा भविष्य क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ज्योतिष गलत, लेकिन बहुत सारे एप्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोग हैं जो कि आज मासूम लोगों का फायदा उठा के पैसे बना रहे हैं, जो कि गलत है। आप ये सोच रहे हो कि आपका भविष्य कोई और बता देगा, तो आपको अपने आप पे ही विश्वास नहीं है, क्योंकि जिस इंसान को अपने आप पे विश्वास होता है वो कभी भी ऐसी चीज नहीं करेगा। इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, इंसान के हाथ में कहां जमीन लेना है ये भी नहीं होता, उसके माँ बाप कौन होंगे वो भी नहीं होता। इंसान के हाथ में सिर्फ एक ही चीज होती है, वो होती है मेहनत। अब कितनी मेहनत करनी है वो आपको तय करना है। आपको कितनी बड़ी सक्सेस चाहिए, जितनी बड़ी सक्सेस उतनी ज्यादा मेहनत। आज बहुत सारे ऑनलाइन एप्स ज्योतिष विद्या के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ। मेनली इन एप्स के टारगेट वो होते हैं जो यंगस्टर्स होते हैं, जिनका ब्रेकअप हुआ होता है, एग्जाम में फेल हुए होते हैं, यही लोग उनके टारगेट होते हैं, क्योंकि इनको भी बहुत ही अच्छे से पता है कि ऐसे लोग उनको तुरंत पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब इनकी फीस जो होती है वो बहुत ही मिनिमल होती है। जब आप लार्ज बेस पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना हजारों करोड़ का बिजनेस है। आप सामने वाले बंदे को जानते भी नहीं हो, सामने वाला बंदा ज्योतिष है या नहीं, जेन्युइन इंसान है या नहीं, आप नहीं जानते। सिर्फ आप उसे चैट पे बात करके या कॉल पे बात करके पता लगा सकते हो कि आपका भविष्य क्या है। मैं यहाँ पे वापस कह दूं कि मैं ज्योतिष विद्या के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हम पढ़े लिखे इंसान है। जब हम पढ़े लिखे है तो पढ़े लिखे लोगों को अगर ऐसे बेवकूफ बनाया जाएगा तो ये देश कहां जाएगा। हमको एक चीज जीवन में हमेशा याद रखनी है कि जो मेरा है सो जावे नहीं और जो जावे सो मेरा नहीं। आपके जीवन में कोई भी बुरी चीज हुई हो, याद रखना आगे आपके साथ बहुत ही अच्छी चीज होने वाली है। किसी के कहने से आपका भविष्य नहीं बदलता, आपका भविष्य तो विधाता ऊपर से लिख के देता है, तो भविष्य कैसे बदलेगा? और कोई नहीं जानता आपका भविष्य, सिर्फ ऊपर वाला जानता है आपका भविष्य। लेकिन कोई भी बंदा यहाँ पे ये नहीं बता सकता कि कल आपके साथ क्या होने वाला है। इसलिए मैं सारे यंगस्टर्स को कहना चाहूंगा कि इस चीज से बचे और मेहनत करते रहे, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। थैंक यू।